नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है आपके अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। दिनांक आज 28 जुलाई 2023 हो चुकी है, दिन है शुक्रवार का। नज़र डालेंगे देश भर की प्रमुख आलू मंडियों के साथ साथ शमशाबाद, खंदौली और सादाबाद में हो रहे 750 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट आलू के सौदे। बात करेंगे कौन से आलू है वो और किस क्वालिटी का आलू है और आखिर 800 रुपये के सौदे होने का मतलब क्या है। तो निवेदन आपसे यही रहेगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करिएगा, अवश्य कीजिएगा। तो बहरहाल किसान साथियों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो और फिर जानते हैं देश भर की प्रमुख आलू मंडियों में क्या रहे आलू के भाव। तो किसान साथियों, सबसे पहले आज जो है हम दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आलू में आज जो है सुधार हुआ है। जो बीते 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे, मैं तो 3-4 दिन का ही इसे रुझान मानूंगा, लेकिन आप तो 1 हफ्ते से देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है नीचे गिरावट का सिलसिला था, आज जो है यहाँ पर सुधार हुआ है। आज यहाँ 100 गाड़ियों की किसान साथियों कुल आवक हुई है। अगर हम बात करें आपके आगरा अलीगढ़ आलू की, तो यहाँ आगरा अलीगढ़ का आलू जो है गीला आलू जो है बिका है आपका 550 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति 50 केजी में। और अगर सूखा आलू की बात करें 3797 की, तो 620 रुपये से लेकर 660 रुपये प्रति पैकेट की दर में बिके हैं। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जूट वाला आलू नहीं है 3797, शुगर फ्री आलू है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में सभी शुगर फ्री आलू बिकते हैं। अब बात करेंगे हाइब्रिड आलू की, तो 500 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति पैकेट में यहाँ पर हाइब्रिड बिके हैं। अगर बात करें चिप्सोना, तो चिप्सोना यहाँ पर आगरा अलीगढ़ का चिप्सोना जो है 700 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति पैकेट की दर पर बिके हैं। और अगर यही चिप्सोना अगर चंदौसी की बात करें, तो 800 रुपये से लेकर 830-840 रुपये तक बिके हैं। चिप्सोना के मुकाबले 3797 आलू में आज जो है काफ़ी सुधार देखा गया है। संभल का भी स्थिति यही है। अगर आज हम सूर्या की बात करें, तो सूर्या आलू जो है कम मात्रा में आया है, T7 भी कम मात्रा में आया है। इसका जो दाम है चंदौसी वाले का वो 1000 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति पैकेट, और आपका आगरा अलीगढ़ का जो सूर्या है उसका जो दाम है वो 850 रुपये से लेकर 900 रुपये है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति चल रही है उसके अनुसार 3797 शुगर फ्री सूखा हुआ आलू, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ड्यूरेबल वैरायटी है। बात करेंगे अब जो है वेफर पास LR की, जो उत्तर प्रदेश का है, 970 रुपये से लेकर 1020 रुपये प्रति पैकेट में आज यहाँ पर सौदे हुए हैं। और नॉर्मल जो राशन वाला है LR, वो 670 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। पंजाब के नॉर्मल LR की बात करेंगे, तो 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। और गुजरात का वेफर पास LR जो है 1200 रुपये से लेकर 1250 रुपये प्रति पैकेट की दर पर बिके हैं। LR की किर्री जो है 380 रुपये से लेकर 480 रुपये प्रति पैकेट में बिकी है। और LR का गुल्ला 500 रुपये से लेकर 540 रुपये प्रति पैकेट में किसान साथियों यहाँ बिके हैं। हल्द्वानी जो नया आलू आ रहा है वो 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति पैकेट। और अगर हम बात करें आपके इस समय पर जो T7 है, T7 जो है इसमें आज जो है सुधार हुआ है, 900 रुपये से लेकर 950 रुपये प्रति पैकेट की दर में बढ़िया चंदौसी वाले बिके हैं। 700 रुपये से लेकर 800 रुपये में आगरा अलीगढ़ वाले T7 बिके हैं। अब बात करेंगे किसान साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं आलू के बारे में, कि आगरा सॉरी सादाबाद खंदौली में और शमशाबाद में आलू जो है 800 रुपये प्रति पैकेट बिक रहा है। व्हाट्सएप फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो ये पर्चियाँ वायरल हो रही हैं, दावा किया जा रहा है। हालांकि दावाई में दावा जितना किया जा रहा है उतनी ही सच्चाई है। अगर हम बात करें आपके सादाबाद की, तो सादाबाद में जो आप थंबनेल पर देख रहे हैं और जो मेरे आप साइड में देख रहे हैं, ये आलू RL शर्मा कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड में 800 रुपये प्रति पैकेट में बिका है। और ये आलू खरीदा है खंदौली के एक व्यापारी ने, और उनका नाम है बिट्टू राणा। उन्होंने ये आलू खरीदा है और 800 रुपये प्रति पैकेट में खरीदा है। ये किसान से सीधा खरीद फरोख्त हुई है, इसमें कोल्ड स्टोरेज का कोई भी लेना देना नहीं है। ये सीधा किसान और व्यापारी के बीच का व्यापार है, व्यापारी ने लगाए हैं, किसान ने अपना आलू दिया है। और जो पैकेटों की संख्या है, मैं बात कर दूं तो ये पैकेटों की संख्या है 350 पैकेट हैं, यानी 350 कट्टे हैं, जो कि रजत शर्मा धांधऊ, ये सैपू ब्लॉक तहसील सादाबाद जनपद हाथरस में पड़ता है, इनका आलू है। और काफ़ी प्रगतिशील किसान हैं, इनके द्वारा नई नई प्रजातियां की उगाई जाती हैं और नई नई प्रजातियों का बीज भी उत्पादन किया जाता है। तो इनका जो आलू है
वो बेस्ट क्वालिटी का आलू है, और एक ही साइज़, एक ही ग्रेडिंग और एक ही कलर, कलर भी आप देख रहे हैं जो साइड में देख रहे हैं, इस तरीके का आलू है ये, इनका 800 रुपये में बिका है। बात करेंगे शमशाबाद की, तो शमशाबाद में 302 बढ़िया क्वालिटी का 730 750 रुपये 760 रुपये तक बिक रहा है। खंदौली की बात करेंगे तो 3797 चंबल वाला 740 रुपये तक है, 700 रुपये से लेकर 740 रुपये प्रति पैकेट तक है चंबल वाला। यह पुराना CCPR आएगा 3797, ये इसी रेट में बिक रहे हैं। अब बात करेंगे क्वालिटी वाली, अगर क्वालिटी आलू की बढ़िया है 3797 की, तो उसके रेट ये हैं, नहीं तो नॉर्मल 3797 के सौदे जो हैं, सादाबाद हो, खंदौली हो, शमशाबाद हो, सिरसागंज हो, टूंडला हो, या हो अन्य कोई जगह है, तो यहाँ पर जो 3797 है वो 500 रुपये से लेकर 600, 650, 650 जैसा आलू वैसे दाम, क्योंकि 3797 में भी कई तरीके की वो कमियाँ होती हैं जिन्हें किसान बेचना नहीं चाहते बताना, हम बताते हैं तो किसान को बहुत बुरा लगता है कि स्थिति ये होती है जब कोल्ड स्टोर पे जाते हैं तो दाम लगते हैं कि आलू के दाम लगे 630 रुपये, तो बोलते हैं घर जाके फ़ोन करके पूछ लूँ, ये पूछ जो है ऐसी रहती है। तो ये जो ऐसा आलू अगर आपका है तो आपके आलू के दाम के इस समय पर सादाबाद क्या, खंदौली है, शमशाबाद है, सिरसागंज है, ये रेट हैं। अगर इस टाइप का आलू नहीं है तो फिर उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि इसी टाइप के आलू के रेट हैं जो 750 और 800 रुपये हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, और इसका जो है मैंने कई बार कई लोगों से, मतलब किसानों से पुष्टि की है, कोल्ड मालिकों से पुष्टि की है, और जो बिट्टू राणा जो कि ट्रेडर्स हैं जो अपना आलू का कारोबार करते हैं उनसे पूछताछ की, उनके द्वारा पर्चियाँ मुहैया कराई गई, बोला ये मैंने आलू खरीदा है और ये सीधा किसान से खरीदा है, इसमें कोल्ड मालिक का कोई हस्तक्षेप नहीं है और न ही कोल्ड मालिक इसमें कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि सीधा किसान के बीच में है। बात करेंगे शमशाबाद में, शमशाबाद में कुछ कोल्ड मालिक आलू किसानों के हित में काम कर रहे हैं और वो लगातार आलू के अच्छे रेटों पर बिकवा रहे हैं, तो लेकिन शमशाबाद में 1-2-3 कोल्ड स्टोरेज हैं जिन पर ये आलू सही रेट पर बिक रहा है, बाकी तो जैसा आलू वैसे दाम, जैसा किसान वैसे ही उसे मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप इस बात को मत वो कीजिए कि भाई मेरा आलू जो है 700 का क्यों नहीं बिक रहा, क्योंकि आपके आलू में वो क्वालिटी नहीं होगी जो क्वालिटी डिमांड में होती है। तो हमेशा याद रखिए आलू जो है हमेशा क्वालिटी, क्वांटिटी और ग्रेडिंग पर ही बिकता है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से अगली बार जब आलू की बुवाई करेंगे तो आप जो है अपनी फसल में वो सारी चीज़ें पद्धतियाँ अपनाएंगे जो एक आलू के लिए चाहिए होती हैं, जिससे आलू जो है सुंदर और वो बनता है। तो ऐसे में समझदारी से काम लीजिए, आगरा में ये सौदे हैं। बात करेंगे 302 की, तो 650 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति पैकेट में खंदौली सादाबाद में हो रहे हैं। लखनऊ मंडी की किसान साथियों बात करेंगे तो लखनऊ मंडी में चिप्सोना आलू 14 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक की दर में है, सिंदूरी लाल जो है 13 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये प्रति किलो की दर पर बढ़िया में बिके हैं। तिरछी की मंडी 3797 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक बिकी है। 302 में 302 आलू यहाँ 16 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो तक की दर में बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में आज जो है आलू 3797 जो है 20 रुपये किलो तक बढ़िया में पहुंच गया है, नीचे में 18 रुपये किलो तक है। तो विजयवाड़ा की मंडी की बात करेंगे तो आज 10 गाड़ी हैं, रिकॉर्ड गाड़ी हैं, विजयवाड़ा की मंडी में कभी जो है 4 या 5 या 8 पहुँचती थी, आज जो है 2 गाड़ी एक्स्ट्रा हैं, 10 गाड़ी हैं, फिर भी डिमांड इतनी है कि 1800 लेकर 20 रुपये किलो तक बढ़िया में आलू बिके हैं 3797, नीचे का कोई रेट नहीं होता है। 302 बढ़िया में 18 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक बिके हैं। मदुरई मंडी की बात करें किसान साथियों, कई दिनों से मदुरई मंडी के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था, मदुरई मंडी में आज जो है 3797 20 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो की दर में बढ़िया में बिके हैं, नीचे में 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक बिके हैं। अगर मदुरई का आगरा से रेट मैं बताऊँ भाड़ा का, तो 6 रुपये किलो का भाड़ा यहाँ पर लगता है। तो किसान साथियों ये थे मंडियों में आज जो है सुधार। अब देखेंगे दक्षिण भारत की अन्य मंडियों के बारे में, तो पूना की मंडी में आज जो है 15 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है, 15 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। इंदौर की यहाँ 10 गाड़ियों की आवक है चिप्स वाले, 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक की दर में बिके हैं। चेन्नई मंडी में आज जो है उत्तर प्रदेश की 19 गाड़ियों की आवक है 16 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो तक, और एक आध VVIP लॉट जो है 18 रुपये किलो तक बिके हैं कल के मुकाबले। यहाँ पर कल भी 2 रुपये की गिरावट ही, आज 1 रुपये की गिरावट और हो गई, यानी कि जो 20 रुपये किलो तक आलू बिक गए थे वो आज जो है महज 17 रुपये किलो तक ही सीमित रह गए। एक आध VVIP लॉट 18 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो है 30 या 40 कट्टे का थोक है। अगर बात करें कॉलर की, तो कॉलर आलू यहाँ कोल्ड का 6 गाड़ियों की आवक हुई है, 23 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो में बढ़िया में आलू कॉलर का बिके हैं। किसान साथियों बहुत दिनों से मेट्यापाला मंडी के बारे में भी आपको जानकारी नहीं दी गई थी, नहीं कोई यूट्यूबर बता रहे थे, तो आज मैं आपको मेट्यापाला मंडी की बात बता देता हूँ। आगरा की यहाँ 10 गाड़ियों की आज आवक हुई है,
850 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट तक यहाँ पर आलू बिके हैं। अगर आगरा से आगरा या फरुखाबाद या अन्य फिरोजाबाद से अगर भाड़ा लगाया जाए तो 6 रुपये से कम का यहाँ भाड़ा लगता है, यानी 6.25 रुपये किलो का यहाँ पर भाड़ा लगता है। और आप यहाँ से 1000 रुपये प्रति पैकेट तक के दाम मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से आराम से 850-850 रुपये तक के दाम वापस पा सकते हैं, अगर बढ़िया आलू हो तब। कानपुर की मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, 45 गाड़ियों की यहाँ आवक हुई है। गुल्ला जो सुपर क्वालिटी का गुल्ला है खंदौली शमशाबाद सिरसागंज का, वो 400 रुपये से लेकर 450-550 रुपये तक बिके हैं। बढ़िया में 500 रुपये तक भी आलू गुल्ला के बिके हैं। कंचन की बात करेंगे तो कंचन 400 रुपये से लेकर 425। सिंदूरी की बात करेंगे तो 400 रुपये से लेकर 450 तक यहाँ पर बढ़िया में आलू बिके हैं। हालैंड आलू 500 रुपये से लेकर 525 रुपये प्रति मन में बिके हैं। श्रीनाथ आलू में आज तेज़ी देखी गई है कानपुर मंडी में, 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति मन में यहाँ पर बिके हैं। हालैंड कंचन सिंदूरी यहाँ पर यह 50 रुपये की गिरावट आपके चक्रपुर मंडी में है। बात करेंगे आप जो है जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी कल एक हफ्ते से उसी रेट पर चल रही है, गाड़ी की संख्या कम बढ़ती हो रही है लेकिन रेट वही है। आज गाड़ी 50 है लेकिन भाव भी 9 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक में है। नासिक में वही भाव चल रहे हैं, 11 गाड़ियों की आवक हुई है, 12 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। अलवर राजस्थान की बात करेंगे, 9 गाड़ियों की आवक है, यहाँ पर 50 पैसे की गिरावट देखी गई है। कल तक जो आलू 9 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक बिके थे, आज जो है 8.5 रुपये किलो से लेकर 11.5 रुपये किलो तक में बिके हैं, यानी कि 50 पैसे प्रति किलोग्राम की गिरावट है। गुवाहाटी की मंडी में आगरा की किसान साथियों, 6 गाड़ियों की आवक है, 14 रुपये किलो से लेकर 17.5 रुपये किलो तक बिके हैं, कल के मुकाबले यहाँ 1 रुपये किलो की तेजी है। फरुखाबाद की मंडी का फरुखाबाद का यहाँ 1 गाड़ी की आवक हुई है, 15.5 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। पश्चिम बंगाल की 3 गाड़ियों की किसान साथियों आवक है, 12 रुपये किलो से लेकर 12.5 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। अंत में बात करेंगे किसान साथियों आपके बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी आज जो है 100 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश के आलू में। 40 गाड़ियों की यहाँ आवक हुई है, 700 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति 50 kg के यहाँ पर भाव रहे हैं। इंदौर की यहाँ 4 गाड़ियों की आवक हुई है, 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। अगर बात की जाए आपके हसन आलू की, तो हसन का आलू की यहाँ पर 600 पैकेटों की आवक हुई है और भाव है 500 रुपये से लेकर 550-550। कॉलर के कोल्ड की आलू की आवक 500 पैकेट की हुई है, 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति पैकेट यहाँ कॉलर का आलू बिका है। लास्ट में बात करेंगे दक्षिण भारत की यानी विदर्भ की जानी मानी मंडी मुंबई मंडी की, तो यहाँ पर आज जो है गिरावट देखी गई है, 65 गाड़ियों की आज आवक हुई है। सूखा आलू 15 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक बिके हैं। कल तक यही आलू, कल मैंने बताया था 18, उससे एक दिन पहले परसों बताया था 19 और 20 रुपये किलो, आज यहाँ पर रह गया 15 से 16 रुपये किलो तक सूखा हुआ आलू। गीला आलू उत्तर प्रदेश का 12 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक बिके हैं। इंदौर के चिप्स वाले आलू 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक बिके हैं और गुजरात के सभी आलू 11 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक की दर में बिके हैं। तो ये किसान साथियों ये थे आज देश भर की प्रमुख आलू मंडियों के आलू के भाव। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और निवेदन मेरा आपसे यही रहेगा कि आपने अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी आलू की निकासी करते रहें। अगर बात आती है आलू के क्वालिटी के बारे में, तो देखिए क्वालिटी मेंटेन करना आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि अनावश्यक कीटनाशक अनावश्यक उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का प्रयोग कहीं ना कहीं आलू की चमक आलू के उस पर फर्क डालता है क्वालिटी पर। और कहीं ना कहीं जब खुदाई के बाद में छटाई होती है यानी ग्रेडिंग होती है, तब आपका को ढेरों पर ना बैठना एक सबसे बड़ा कारण होता है कि उसका एक साइज़ का आलू मजदूरों द्वारा नहीं छांटा जाता है, क्योंकि पैसा आप पूरा देते हैं 20 रुपये कट्टे का ग्रेडिंग होती है, लेकिन फिर भी मजदूरों के पास आप नहीं रहते हैं, ठेकेदार को लगा देते हैं, तो ऐसे में क्वालिटी बेकार कर देते हैं, ग्रेडिंग खराब कर देते हैं। तो ऐसे में अनावश्यक फर्टिलाइजर्स उर्वरक का प्रयोग कम करें, जितनी मात्रा आलू को चाहिए उतनी ही दें, पानी का विशेष ध्यान रखें। और मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ, अगर आलू का आपको अच्छा भाव 2024 में लेना है तो इन टेबल वैरायटी जो हाइब्रिड हैं या 37-97 इनकी अपेक्षा आप जो है प्रोसेसिंग वाली वैरायटीज करेंगे तो कंपनियां सीधा आपसे लेंगी। आज जो है एलआर है, चिप्सोना है, या आपका संटाना है, विनर है, करिश्मा है, ये एक ऐसे आलू हैं जो कि इस मंदी के दौर में भी 1000 रुपये पार में प्रति पैकेट में बिक रहे हैं, यानी 50 kg में बिक रहे हैं जहाँ पर जैसी है, और कंपनियाँ भी सीधा किसानों से खरीद रही हैं। तो ऐसे में इनका जो अगर उत्पादन की बात करें तो इसके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने बनाई है, मैं जल्दी आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा, लेकिन आपसे निवेदन यही रहेगा टेबल वैरायटी ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िए,
जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही लॉस उठाओगे। हमेशा सामान्य मध्यम प्रजातियां कीजिए, जिससे कि आप लोगों को अच्छा बेनिफिट जो है ये आलू से मिल सके। तो बहरहाल किसान साथियों, मेरे साथ में वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।